हाय माय ब्यूटीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इजी पीजी इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक, जिसमें मैंने जो वॉर्म्थ है वो चीक्स को दी है और कलर जो है वो लिप्स को दिया है। आईज़ को काफ़ी सटल रखने की कोशिश की है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि अगर आप कोई भी लास्ट मिनट पार्टी अटेंड कर रहे हैं जिसमें आपके पास में तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस तरीके का मेकअप लुक आप बहुत आराम से कैरी ऑफ कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने अचीव किया ये मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया है रोज़ वाटर से और उसके बाद में मैं पतंजलि एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। रीज़न ये है कि ये एलोवेरा जेल प्राइमर की तरह भी एक्ट करेगा और साथ ही साथ सन टैन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद मैं अपना लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, ये मेबेलिन का लिप बाम है। उसके बाद और ये मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना मिलानी कंसील परफेक्ट एंड यू नो 2-in-1 फाउंडेशन, एंड इसे मैंने डॉट किया है अपने पूरे फेस पे और उसके बाद में मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। इसका सेकेंड लेयर भी मैं अप्लाई करूँगी फर्दर। आप देखेंगे इस मेकअप लुक में मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है, इसी फाउंडेशन को मैंने डबल अप किया है। मैं देखना चाहती थी कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस फाउंडेशन को डबल अप करके जो मेकअप लुक प्रिपेयर होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। तो वाकई में ये फाउंडेशन जो है वो अपने क्लेम्स पर काफ़ी हद तक खरा उतरता है। ये कंसील भी करता है और कवर भी करता है। सो इसके बाद में मैं सेम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर अंडर माय आईज़ और उन्हें यूजुअल एरियाज़ पे भी मैं अपने अप्लाई करूँगी, ऑन द फोरहेड, ऑन डाउन द ब्रिज ऑफ माय नोज, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे और थोड़ा सा वहाँ जहाँ पे मेरा कॉन्टोर एंड होगा। और उसके बाद में दोबारा मैं अपना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी ऑन माय फेस ऑन द एरियाज जहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। वैसे तो ये फाउंडेशन काफ़ी कन्वीनियंट टू ब्लेंड है, ब्रश की हेल्प से भी बहुत आसानी से ब्लेंड हो सकता है, बट आई लव द फिनिश ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद में मैं प्रो स्ट्रोक पैलेट ले रही हूँ फ्रीडम प्रो से। ये फाउंडेशन काफ़ी मैट है तो अगर आप इसको सेट किए बिना भी अपना कॉन्टोरिंग स्टार्ट करेंगे तो वो पैची या ब्लॉची नहीं लगेगी। और ये मैंने लाइटेस्ट शेड लिया है और उसकी हेल्प से मैं अपने चीक बोन्स को स्कल्प्ट कर रही हूँ, अपना फोरहेड स्कल्प्ट कर रही हूँ। आई नो मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा बड़ा है, स्कल्प्टिंग की ज़रूरत मीगरली पड़ती है मुझे। इसके बाद में मैं अपनी जॉ लाइन को स्कल्प्ट कर रही हूँ फिर एक स्मॉलर ब्रश लेके। ये फेसेस का ब्रश है और ये मुझे कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कन्वीनियंटली कॉन्टोर करता है ये फेस को। मैं अपने नोज़ और लिप एरिया को कॉन्टोर कर रही हूँ। इसके बाद में मैं बनाना शेड लूँगी फ्रॉम द सेम पैलेट और उससे कंसील्ड एरियाज़ को मैं सेट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एट द मोमेंट बनाना शेड समथिंग जो एक येलो टोन पाउडर होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है बट फिर भी इसमें येलो अंडरटोन्स होते हैं, तो ये आपके फेस को और ज़्यादा उन एरियाज़ को जहाँ पे आप इसे अप्लाई करते हैं उन एरियाज़ को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद में मैं प्रो ब्लश पैलेट ले रही हूँ सेकेंड रो टॉप शेड और उसे अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ कॉन्टोर शेड के साथ में। आपको ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि चीज़ें अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं लगनी चाहिए आपके फेस पे। फिर सेम पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है, ये पिंक शैम्पेन पिंक कलर का हाइलाइटर है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्कलिंग और शाइनी है क्योंकि मैंने पूरा फेस काफ़ी सबड्यूड रख बाकी का मेकअप अपना पूरा काफ़ी सबड्यूड रखा था, आई मेकअप स्पेशली, तो मैं फेस मेकअप और लिप मेकअप पर जा सकती थी। ये आप भी ध्यान रखें हमेशा तैयार होते वक्त कि अपने किसी एक फीचर को म्यूट करके अपने किसी दूसरे फीचर को आप हाईलाइट कर सकते हैं।
इसके बाद में मैं फ्रीडम प्रो का डिप ब्राउ पोमेड ले रही हूँ और उसे मैं अपनी ब्राउज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, अपनी ब्राउज़ को ग्रूम कर रही हूँ। और आई एम सो सॉरी गाइज, रेनी सीजन की वजह से लाइटनिंग जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती है। लाइक सन गॉड इज़ समटाइम्स हैप्पी, समटाइम इज़ नॉट, यू पीपल, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। इसके बाद में मैं ले रही हूँ कोल पेंसिल फ्रॉम एले गर्ल और उसे मैंने टाइट लाइन किया है अपनी आईज़ को। और फिर ब्लू हैक्स आई लाइनर फ्रॉम नायका लेके उसे मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। यू गाइज नो मी प्रिटी वेल आई गेस फ्रॉम बाय नाउ। मुझे ब्लैक आई पेंसिल जो है अंडर आईज़ पे कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, मेरी आँखें और क्लोज्ड ऑफ लगती हैं। इसके बाद में मैं अपना इंग्लॉट का आई शेडो प्राइमर ले रही हूँ और उसे अपनी आईलेट्स पे अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये एक न्यूट्रल इम्पैक्ट देगा आईलेट्स को, जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म कर देगा। मुझे रीगेन अपनी आईलेट्स का ओरिजिनल शेड ही करना है, जिसके लिए मैं एक नॉर्मल ब्राउन शेड लूँगी, उसे अपने लिड पर अप्लाई करूँगी और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे क्रीज में एक्सटेंड भी कर दूँगी। तो मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपना नेचुरल लिड शेड लेना था आईज़ पे अपनी। मगर मैं ये चाहती थी कि मतलब इतने स्टेप्स मैंने सिर्फ इसलिए किए, बैर अपनी छोड़ दी अपनी आईलेट्स, क्योंकि आईलेट्स ग्रीसी हैं, होती हैं काफ़ी, और ऑयल सिक्रीट करने की वजह से लुक को ख़राब कर सकती हैं। सो प्राइमर से सेट करके अगर आप एक ब्राउन शेड आई शेडो अप्लाई कर देंगे तो आपकी नेचुरल क्रीज शेड आपके पास रहेगा, लेकिन इफ़ेक्टिव होगा, लाइक क्रीज नहीं होगा, पूरा टाइम ऑयली नहीं लगेगा। इसके बाद में मैं लाइटर ब्लैक शेड ले रही हूँ फ्रॉम द फ्रीडम प्रो डिसेंडेंट पैलेट और उसे मैं एज एन आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लाइक अ फेक विंग्ड आई लाइनर, क्योंकि इस लुक में मैं लाइनर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। इसके बाद में मैं बटरफ्लाई लैशेज मस्कारा ले रही हूँ, दिस वन इज़ बाय लॉरियल, और उसे मैं अपने आई लैशेज को ग्रूम कर रही हूँ, लाइक टॉप एंड बॉटम lashes. You guys know me, I love coating my lashes with lots of mascara. Then taking the L'Oreal Paris Cannes Collection lipstick, shade jo hai mera wo pure rouge hai, ye endorse kiya tha Frida Pinto ne, and इस लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर रही हूँ एट अ प्रॉपर नोट ऑन माय एंटायर लिप्स। मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे अपने लिप्स को ही हाईलाइट करना है। इसके बाद में मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डेयर्ड अप्लाइंग माय लैशेस ऑन कैमरा। और उसके बाद में मेरा फेवरेट स्टेप, टेकिंग द हाईलाइटर शेड फ्रॉम द प्रो डिसेंडेंट पैलेट, मैं इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे, नोज़ की टिप पे, क्यूपिड्स बो पे और थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करके ब्लेंड कर दूंगी। और ये है द फिनिश्ड लुक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय।